आगरा में बने ताजमहल के गुंबद का दीदार करना महंगा हो गया है। गुंबद के अंदर जाने के लिए अब पर्यटक को 200 रुपए अलग से देने होंगे। ताजमहल पर लगातार भीड़ बढ़ रही थी, जिससे ताजमहल की सेहत को बड़ा नुकसान हो रहा था, लिहाजा भीड़ को कम करने के लिए 200 रुपए ज्यादा बढ़ाए गए हैं। हजारों की संख्या में पर्यटक देशी और विदेशी सैलानी यहाँ आते हैं और ताज का दीदार करते हैं, लेकिन एक बार फिर से इनके लिए ताज का दीदार करना महंगा साबित हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। जहाँ एक और 50 रुपये का टिकट ताज का दीदार करने के लिए देसी पर्यटकों के लिए लगाया जाता था, वहीं उसका मूल्य बढ़ाकर अब 250 रुपये कर दिया गया है। जहाँ विदेशी पर्यटकों के लिए इसका मूल्य 1100 रुपये हुआ करता था, वहीं विदेशी पर्यटकों को अब इसके लिए 1300 रुपये देने पड़ेंगे। अलीगढ़ में बीजेपी नेता का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी के दो नेता घर की छत पर फायरिंग करते दिख रहे हैं, साथ ही मौके पर मौजूद बीजेपी नेता के दोस्तों के हाथ में भी शस्त्र दिख रहे हैं। अमृतसर में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभी तक आत्महत्या करने की वजह का पता नहीं चल सका है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और जांच में जुट गई है। बागपत में मनचले को सबक सिखाने के लिए छात्राओं ने मनचले को कॉलेज में बंद कर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो छात्राओं ने बनाकर वायरल भी कर दिया। वहीं पुलिस का कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बहराइच में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि जिले में एसपी के निर्देश के बाद वाहन चोर गैंग के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनकी बताई हुई जगह से पुलिस ने 19 बाइक और एक कार बरामद की है। राजधानी में तापमान में गिरावट के साथ आबो हवा और ज्यादा खराब हो गई है। कम तापमान और मंद हवा राजधानी की वायु गुणवत्ता आने वाले दो दिनों में और भी ज्यादा खराब होने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक राजधानी में वायु गुणवत्ता इंडेक्स 377 रहा, जो पिछले 20 दिनों में सबसे ज्यादा था। गुजरात में मछली पकड़ने गए एक मछुआरे को करोड़ों रुपए की मछली हाथ लगी है। आपको बता दें कि जब मछुआरा मछली पकड़ने समुन्द्र में गया तो उसके जाल में करोड़ों रुपए की मछली फंस गई। मछली की सूचना मिलते ही कई लोग दूर दूर से देखने आ गए। कुशीनगर में पूर्व ग्राम प्रधान की दबंगई का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गांव में बने खाद गड्ढे में बहने वाले गंदे पानी को पूर्व ग्राम प्रधान ने रुकवा दिया है, जिसके चलते गंदा पानी गांव के रास्ते में भर जाता है, जिसके चलते लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मामले में ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। राहुल और प्रियंका के फार्म हाउस पर घोटालेबाज किराए पर रहा। जिग्नेश शाह और उनकी कंपनी ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अलीबाबा हैं। राहुल गांधी को राहुल गांधी नहीं, जिस प्रकार के उनके कारनामे रहे हैं, जिस प्रकार से उनके अकाउंट में डायरेक्टली घूस का पैसा जा रहा है, द मनी ट्रेल ऑफ ब्राइब गोइंग डायरेक्टली टू द अकाउंट ऑफ राहुल गांधी, हेंस फोर्थ वी विल कॉल राहुल गांधी इन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस एज अलीबाबा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। इसके मद्देनजर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात भी की। फिर से एक बार नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मैं उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में बिहार को और बेहतर बनाने की दिशा में मजबूती से नीतीश कुमार जी काम करेंगे।